अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक भाई। लैंकाशायर की फर्स्ट इनिंग स्टार्ट होने लगी है, उससे पहले जल्दी से मैच समरी देख लो यार। अगर अभी तक पिछली वीडियो में देखी ना तो जाके वीडियो में देखो। सबसे पहले आपके भाई की टीम ने किया था मिडिलसेक्स ने 438 इन फर्स्ट इनिंग्स। भाई आपके भाई ने ट्रिपल वन मारा था, 111 नेल्सन पे आउट हुआ था रन आउट, और अच्छा खासा टोटल हमने लगा दिया था। अभी लैंकाशायर की बारी आ गई है तो पहला बॉल भी एज यूजुअल भाई कप्तान ही करेगा ना, जिसका बॉल बैट उसी की पहली बैटिंग होती है ना, तो वही सीन यहाँ पे भी है। हम कप्तान है तो पहले बैटिंग भी करेंगे और पहले बॉलिंग भी करेंगे। फर्स्ट डिलीवरी ऑन द टारगेट भाई इन द एयर गई थी। क्राउड इनका फुल बैठा हुआ है, फुल टाइम इन्होंने देखी आपके भाई की बैटिंग। यार तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखी ना, अगर जो लोग न्यू हो तो प्लीज जाके फॉरन चैनल पे देखो यार, सब्सक्राइब वगैरह करो, लाइक करो वीडियो को। भाई साहब जरा फ्लू श्लू हुआ, इसलिए मैंने टोपी शोपी पहनी हुई, मैंने कहा यार ठंड ना लगे मुझे। चलो जी, ओ नाइस शॉट, और यहाँ पे पड़ गया चौका हमें आते साथ ही यार। वो भी फुल टाइम बैटिंग करने आया, फिन एलन है, फिलिप सॉल्ट है, ये दो तो अच्छे प्लेयर्स हैं। जल्दी से स्कोर कार्ड जरा देख लो आप लोग, फिन एलन है, फिलिप सॉल्ट है, दोनों ओपनर्स हैं, फिर गिनो बांस है, इसने हमारे साथ T20 सीरीज जो इंग्लैंड में हम खेले थे वहां पे भी हिस्सा था। उसके बाद भाईजान जॉस बटलर भी नीचे है, तो अच्छी खासी ठीक है बैटिंग, ऐसे ही होती है डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास टीम्स में। हमारी तरफ भी कोई डॉन ब्रेडमैन नहीं बैठा हुआ, ऐसे ही हम भी सारे। चलो जी, और मजे की बात ये है कि भाई ये ड्राइव्स खेलने के लिए आ रहा है मुझे, और ये मजेदार चीज है यार। पड़ गया भाई चौका, पड़ गया यहाँ पे, दो चौके आ चुके हैं, तीन बॉल्स पे दो चौके। अटैकिंग भाई फुल टाइम अटैकिंग है, तो फिन एलन तो कह रहा है कि आज छोड़ना ही नहीं मैंने इनको, बेटा तेरी ऐसी की तैसी। यार पिच की जो शक्ल है ना अभी, कलर वगैरह जो है, मुझे लग रहा है जल्दी टूट जाएगी पिच, और ये मजा आएगा चौथी इनिंग्स में अगर ये पहुंचे तो। आई थिंक मैं तो इनको फॉलो ऑन ही करूंगा यार। वो भी बॉल यार, लेकिन अच्छे बल्ले से खेला, सीधे बल्ले से। टोपी उतार ही देते हैं यार, मजा नहीं आ रहा टोपी का, गर्मी लग रही है कानों को। मैंने कहा था ठंड लगेगी, लेकिन अभी हमें कान लाल हो रहे हैं भाई। चलो जी, हियर वी गो फिन एलन, आजा आजा आजा, लगवा दे एच स्लिप्स खड़े में तेरे लिए। ओ भाई विद इन द वी खिला रहा हूँ बिल्कुल सीधा। फिलिप सॉल्ट ऑन स्ट्राइक, पता नहीं हमारी बारी आता कि नहीं। ओ भाई आउट हो गया, बैम्पर ने आउट कर दिया LPW, अंडे पे गया फिलिप सॉल्ट। इस दफा गुड लेंथ पे करूंगा, लेकिन थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ मार रही है यार यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी बॉल को ज्यादा एयर मिलती है, थोड़ा सा टाइम लगता है बैट्समैन तक पहुंचने में, तो आई थिंक यहाँ पे काम बनेगा अपना। लेकिन फिन एलन ने मुझ पर सही चढ़ाई की हुई है, इसको मैं अभी सीधा कर दूँ। सात बॉल इसने मेरी ही खेली है, ले बेटा नॉर्मल पेस से, अब तो गया तू। देखा रुक के खेला ना, मैंने स्लो थोड़ी सी की थी यहाँ पे। चलो जी फिन एलन साहब, आप तैयार हो जो एक बाउंसर खाने के लिए, प्लीज खेल लेना, एफर्ट लगती है इसमें। नहीं खेला कोई बात नहीं, खेलोगे खेलोगे। ऐसे मुझे लग रहा है कि ये मुझसे ना AI बॉलिंग थोड़ी बाय डिफॉल्ट ही कम करवाएगी, हटा लेगी, क्योंकि मैंने काफी लंबी बैटिंग भी की हुई है यार। अक्सर मैंने ये चीज नोट की है, जब काफी बैटिंग कर दो ना तो आपको कम ओवर्स मिलते हैं, लेकिन पता कोई नहीं भाई। ओए नाइसली बॉल्ड, और अच्छी खेल रहा है। जब भी शॉट खेलने आता है ना फ्रंट फुट, मुझे लगता है कि भाई मैं इन प्ले हूँ, क्योंकि एज भी लग सकते हैं यहाँ पे। चलो इंग्लैंड है, आउट स्विंगर नहीं किया मैंने अभी तक, ये मैंने क्या गलती की है, ये फुल तेज करूंगा। यार सीम सल्की सी पड़ के अंदर आई है, मैं फील्डिंग थोड़ी सेट करता हूँ, इतना फ्री रन भी नहीं देने, मैंने इनको फॉलो ऑन करना। अभी चौका फिर एक और पड़ गया, फिन एलन मुझ पर चढ़ाई की हुई इसने। चलो जी हल्की सी यहाँ पे फील्ड सेट चेंज किया मैंने, स्लिप्स मेरी फुल टाइम लगी हुई है वैसे, क्योंकि यहाँ पे एच लगना ही है ना इसका, ऐसे करके हुए ऑन द मनी, ये अच्छी लाइन है यार। भाई खब्बा सामने आ गया है, गिनो बांस, इसको हम आउट कर सकते हैं, इतने भी हम आठे नहीं। इसको मैंने काफी बॉल स्पीड की है पहले इंग्लैंड के टूर में भी, और अच्छी बॉल यार, नाइस। थोड़ा सा ना ये आउट स्विंगर पे फंसता था, T20 में तो फंसा है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या फंसता है कि नहीं फंसता। अभी तो थोड़ा सीख के आया। बॉल नाइस, यस 421 की ट्रेल है, अच्छी बॉल, कटर था 151 किलोमीटर पे। चलो जी ये फुल टाइम सीधी सीम मारेंगे, लेकिन तेज मारेंगे। यार पड़ के अंदर आई है, नाइस बॉल। अच्छा फॉरन ODI के बाद काफी व्हाइट बॉल क्रिकेट खेली है, उसके बाद एकदम से टेस्ट क्रिकेट में आया ना, मतलब फर्स्ट क्लास में रेड बॉल क्रिकेट में, थोड़ा सा लाइन को एडजस्ट करने में टाइम लग सकता है यार। बॉल बॉल बॉल, लेकिन अच्छे चैनल हिट कर रहा हूँ मैं अभी, थोड़ा सा डेस्परेट तो हम हैं इसलिए हम यॉर्कर करेंगे। वो चीज़ तो T20 वाली है ना, वो अभी टाइम लगेगा थोड़ा जाते आते। उस भाई पकड़ लें प्लीज आगे, वैसे भी इसके बाद 100 आ रही है, उसमें ही मजा आएगा। मैं दो में सोच रहा हूँ कि दो काउंटी के मैचेस खेल लूँ, ताकि मेरा नाम आ जाए यार पाकिस्तान टूर ऑफ इंडिया के लिए। वैसे तो हम कप्तान है पाकिस्तान के, लेकिन पता नहीं होता यार, अगर ना खेलो ना तो ये लोग सेलेक्ट भी नहीं करते अक्सर कभी कभी, इसलिए मैंने कहा बिल्कुल काउंटी नहीं स्किप करनी। बॉल अच्छी है, नाइस, ठीक है, ये बॉल लेवल का है। नहीं चौका, एक और चौका पड़ गया यार, ये तो सही पीट रहे हैं मुझे, अच्छी खासी पेंटी पड़ गई, सारे चौके पड़े, अब लगवा दो एज, सॉलिड रॉक सॉलिड। ओए पकड़ा दिया यार, थोड़ा सा आगे बढ़ गई भाई। भाई 98/2 हो चुके हैं, देखा मुझे पता था मुझे हटाएंगे थोड़े ओवर करवा के, क्योंकि हम ऑलरेडी बैटिंग काफी करके आए, लेकिन यार जो मैं सोच रहा था ना वो मुश्किल लग रहा है मुझे। चलो अभी भी 140 रन है हमारे पास फॉलो ऑन करवाने के लिए। नाइसली प्लेड वंस अगेन, और यहाँ पे सिंगल। ओए दो नहीं मिलते जानी, ये गलत है।
दिस इज पुअर यार। फिन एलन अभी भी खड़ा हुआ है, सॉलिड है यार, 55 कर गया हुआ है। चल बेटा यॉर्कर खा पे, आराम से रोक गया। इंग्लैंड हो और हम आउट स्विंग ना करें तो ये हमारी बड़ी बेवकूफी है। मैं करने लगा आउट स्विंगर और विकेट मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे तो लेवल का बॉल है ना ये वाला, सीम सीधा और आउट स्विंगर। इंग्लैंड में तो ये कमाल की चीज है। अच्छा लेकिन इस दफा मैं टोटली डिफरेंट चीज करने लगा, वाइड ऑफ स्टम्प्स आके, वाइड ऑफ द क्रीज आके की बॉल। यार थोड़ी सी अच्छी लग गई, टॉप एच था, फील्डर भी खड़ा हुआ था लेकिन उसके ऊपर से निकल गई। अच्छा वैगन मिला यार, अच्छी हर तरफ खेला इसने। 104 पे 2 इस वक्त लैंकाशायर, और अपनी होम कंडीशंस का फुल टाइम जानते हैं ये। फुल बैटिंग ट्रैक बना हुआ इस वक्त और क्रैक्स पड़ रहे हैं पिच पे, ये देखना तुम लोग। अब जाएगा ये एक बिल्कुल आगे ना ड्राइव पर पड़ा हुआ, छोटा सा क्रैक है अभी, क्रैक नहीं है मतलब थोड़ा सा रफ हो रहा है वहां से। शॉट एक रन के लिए, उम्मीद है एक ही होगा। यस एक नहीं यार, मार लेट हो गई। क्या कर सकते हैं भाई, क्रीज का यूज करके सीधी करनी है, सीम के साथ सीधी कर देनी है वॉली वॉली। ओए नहीं हुई यार, यहाँ से होगी स्विंग अगर नहीं हो रही ना इस वक्त ज्यादा, तो हम करते हैं सीम मार के ना एंगल के साथ सीधी जाने की बजाय हम उसको बॉल को सीधा कर देंगे। समझ नहीं आई ना, आ जाएगी समझ अभी देखना। ए यार ठीक है ठीक है, क्योंकि एंगल के साथ जाएगी तो भी डाउट होगा कि पैड्स पे आ सकती है, और अगर पड़ के सीधी होगी ना तो कमाल हो गया। फिर शॉट, अच्छा बॉल अभी ना कुछ भी मूवमेंट नहीं करी, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही यार, थोड़ा सा वरिंग साइन है मेरे लिए क्योंकि सातवें ओवर में हूँ और कोई अभी तक कामयाबी नहीं मिली भाई। शॉट है भाई, फील्डिंग अच्छी, हर चीज ट्राई कर रहा हूँ, कटर्स कभी कुछ क्रॉसिंग नहीं। वे कटर कितना वापस अंदर को आया यार, ये नाइस है, मुंह में करता हूँ आगे क्या पता गैप बन जाए, बोल्डी हो जाइए। ये चेक करो भाई, आईटीएल उई पकड़, खा गया, पड़ गया, बच गया। लो जी सारी ड्रिंक्स ब्रेक हो गई हैं, विकेट तो अभी तक मिले नहीं, तो चलो थोड़ा ड्रिंक्स श्रिंक्स ही पी लें यार। 117 पे 3 बैम्बर और कलर ने विकेट्स लिए हैं 2। यस भाई चलो, अभी जॉस बटलर ने भी आना है, 2 आउट होने के बाद आएगा वो। यार डेस्परेट हो रहा हूँ, तो विकेट नहीं मिल रही, समझ नहीं आ रही क्या करूँ मैं। बॉल ने कुछ करना शुरू किया है इस बॉल पे, बॉल पड़ के बाहर निकली है सीम से, यही चीज तो मैं चाह रहा हूँ कब से। ओए भाई चेक करो, बॉल कुछ कुछ कर रहा है, सीम पड़ के ना एकदम से निकला, जोन्स को समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा बाहर रखता हूँ यहाँ से, यस अगर यहाँ से अंदर आ गई ना भाई, इसका डंडा टॉप ऑफ बेल्स लगेंगी मुझे लग। शॉट रिस्की शॉट खेला लेकिन ऐसा चौका नहीं हुआ, बच गया, 2 रन आ जाएंगे। मुझे लगा कि फाइन बिल्कुल निकल गई है लेकिन बचत हुई है। यार लास्ट बॉल थी, शिट मैं चाह रहा था मैं स्कोर बॉलिंग करते क्योंकि बॉल ना निकल रही थी, कुछ ना कुछ कर रही थी। शाबाश शाबाश, लाइन अच्छी है, शॉट लेवल शॉट ऑन द लेग से, अबे पकड़ो यार, चौका नहीं होना था, भागा ही नहीं है। 3 बन जाएंगे इजीली, वो 3 तो बना लिया करो। क्राउड देखो पूरा ऊपर तक बैठा हुआ है यार, क्रॉसिंगर भी कर देते हैं यार, किया तो नहीं अभी तक, ट्राई तो करना, कुछ तो बने हमारे लिए, कुछ भी नहीं बन रहा अभी तक। वे क्रॉसिंग बॉल ऐसे घूमता हो गया यार यहाँ पे करके ना। ओए ये तो रन आउट है पक्का यार, आपस में खेलने लग जो कसम से, किस तरह ऑफ स्ट्राइक हुआ, दस्ती ऑफ स्ट्राइक हुआ। अच्छा यहाँ पे ना यार एक क्रैक नहीं है, थोड़ा सा ना पिच खराब हो रही है एक जगह से, यहाँ पे मारूंगा मैं। ओए थोड़ा सा ज्यादा आगे हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इस पर बॉल लगेगी ना कुछ लाजमी होगा। ओए यार नहीं, अब मैं ज्यादा आगे कर रहा हूँ क्योंकि आगे से कुछ ना कुछ हमारे लिए बनेगा यार। लो जी क्या हुआ है, लंच हुआ है कि टी हुई है, आई थिंक टी होगी, टी ब्रेक होगी, डे 2 172/4। बॉल पढ़ के भाई सीम के साथ ही निकल रहा है एंगल के साथ बाहर को यार, और चेस करने गया वो, ये तो अच्छी चीज है यार, फुल सीम ही मारता रहूं मैं आगे मुंह में करके। शिट यार जेन्युइन ऐसा लगा है, बचत हुई यहाँ पे यार, लक उसके साथ है भाई। चेक करो यार तुम लोग, बॉल बहुत अच्छी थी, देखो बाहर निकल रही है, फुल टाइम बाहर निकल रही है, और जेन्युइन ऐसा लगा, क्रिस्टी लकी है भाई। चलो जी वंस अगेन, स्लिप्स तो अच्छी खासी खड़ी की हुई है यार। ओए ठीक है नाइस, फुल्ली आगे करते हैं बॉल, फुल टाइम मुंह में करते हैं इसको, फिर ड्राइव लगवाता हूँ इससे। अच्छा कम ऑन बेबी, ड्राइव करो मुझे। ओ भाई साहब पढ़ के अंदर आ गया इस दफा, अब स्पेल मजे का हो रहा है यार, वेरी क्लोज, मुझे लग रहा है कैच लगेगा कहीं ना कहीं। बॉल पड़ के आ रहा है अंदर, यस वापस आ रहा है, वॉबल सीम हो गई है भाई। अच्छा वैसे इतनी फुल बॉल ना मैं पहली बार कैरी मैं थिंक कर रहा हूँ, मैं पहले हमेशा गुड लेंथ मारता था लेकिन आज मुझे लग रहा है कि इस पर बड़ी मदद मिल रही है मुझे यार, सीम हो रही है फिट, अब सीम से बॉल कर रही है कुछ ना कुछ, तो आई थिंक मुझे वापस आ जाना चाहिए अपनी बेसिक्स पे, कि अगर मैं गुड लेंथ से करूँ ना बॉल शायद कुछ हमारे लिए बन जाए यार यहाँ पे।
जस्ट लाइक दैट, है ना, बनेगा कुछ। ओए मुझे लग रहा था कि इस बॉल पे एज लगेगा, जिस तरह खेला है, लेकिन खेल गया। अच्छा एच, वो चेस करने जाना, शाबाश, चेस तो करने गया वो, नॉर्मल पैसे, मार मार, बच रहा है भाई वो भी, सही है, कोई बात नहीं। 192 फॉर 4, फिन एलन 98 पे। अब सामने फिन एलन आया, मैं चाह रहा हूँ उसको बॉलिंग करना, आ गया ना। हाँ बेटा तुम बताओ, तेरा विकेट मैंने लेना, तुमने मुझे शुरू में चौके मारे थे ना, सो नहीं होने देना इसका यार, शुक्र है बच गया यार, शॉट कैसे तगड़ी मार रही है यार। असल में अभी डे टू हुआ है ना, तो फुल बैटिंग के लिए ट्राई किया पूरा यार, हमने भी तो इतना स्कोर लगाया, तेज खेले हम। चिट, चौका, सेंचुरी कर गया यार, शिट मैन, मुझ पर चौका मार के सेंचुरी की इसने, हवा में थी लेकिन, वाह नाइस है यार, फिन एलन ब्यूटीफुल बैटिंग यार, लेवल यार, वेरी गुड इनिंग्स। ओए ठीक है ठीक है, ऐसे शॉट अच्छी खेल गया, स्विंग इतना हुआ ही नहीं बॉल यार, क्योंकि पुराना हो चुका है वैसे काफी। लो जी 7 आउट हो गए हैं, बटलर साहब आते ही चले गए हैं, बटलर की ऐसी लकी चल रही है आजकल, कोई बैटिंग फॉर्म नहीं है, बिल्कुल आउट ऑफ टच हुआ है। 13 ओवर 36 पर नॉट, कुछ भी कामयाबी मिली नहीं है अभी तक। चलो जी फिन एलन आप ही खड़े हुए हो, आउट हो जाओ, बैट कैरी करना तो नहीं है। शॉट है यार, नाइस, ओए ठीक है, पकड़ पकड़ पकड़, अबे करवा देना सिंगल, चल कोई तो विकेट ले जा भाई, मुंह में दे रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा मेरे लिए। बॉल ठीक है, नाइस, 194 यार, फॉलो ऑन अवॉइड कर गए वो, बॉल ठीक है, सही है। फिन एलन ने बहुत बड़ी इनिंग्स खेल दी है यार, यार मुझे हैरत हो रही है कि बॉल अभी तक कुछ भी नहीं कर रहा, कभी ऐसा मैच में नहीं हुआ कि इतने ओवर्स के बाद भी कुछ ना मुझे मदद मिल रही हो, देखो कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल सीधी बॉल जा रही है बल्ले पे, आराम से खेल रहे हैं वो, आज तो हम बॉट बने हुए, पबजी वाले बॉट, मारते हैं भाई सीम वंस अगेन, वो शॉट है, तेज सीम मारनी पड़ेगी, और तो कोई हल नहीं है यार, शायद कुछ हो जाए मेरे से लिए। ओ यस 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 यस, कैरी क्यों नहीं किया भाई, बॉल अच्छा था, कीपर को थोड़ा सा ना आगे लिया था, वो देखो यार खेलेंगे 24 नंबर आगे खड़ा हुआ, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ऐसे लगेगा तो वो दिखाऊंगा तुम लोगों को रिप्लाई, थोड़ा सा ना यार स्लिप्स को और कीपर को थोड़ा सा भाई हम कर लेते हैं ऊपर यहाँ, क्योंकि बॉल कैरी नहीं किया यार, मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई भी ऐसे लगे और हम विकेट लेस ही रह जाए यार इस इनिंग्स में, प्लीज लगवा दो यार एक्सपेंशन भाई, नहीं फिर ठीक है ओके। ऐसा स्पेल वैसे इकोनॉमिकली है, ज्यादा रन भी नहीं दिए मैंने, अगर स्कोर ओए विकेट नहीं लिया ना तो रन भी नहीं दिया यार, ये भी काफी है, 15 ओवर 16 ओवर कर रहा हूँ मैं अभी देखो, और 38 दिया हुआ, तो आई थिंक गुड है यार, ये तो फेंटी नहीं पड़ी है मैं ज्यादा। फिन एलन आजा बेटा तू, एज थोड़ा सा गिर गई यार, अभी मैंने इतना ऊपर स्लिप्स खड़े किए हैं फिर भी कैरी नहीं हो रहा, ये पिच ना स्लो बन जाए टर्नर, अब देखते हैं जिसका कहाँ पे लगा है, ये देखो ना जरा तुम लोग भाई, बॉल तो थी नाइस, ये देखो बॉल की कंडीशन देखो कितनी रफ हुई हुई है, ऐसे लगा है बिल्कुल, और ये देखो कैरी नहीं कर सका यार, इतना बड़ा ऐसे लगा है। स्लिप्स भैया आए थे, काफी आगे गिर गई उसके यार, हैरत है मुझे यार, इतनी ऊपर स्लिप्स रख के भी ऐसे नहीं लगा, फिन एलन बच गए तुम, कोई बात नहीं पकड़े जाओगे भी। शॉट ठीक है, बड़ी तेज निकली है, बैक फुट से शॉट बहुत तेज निकलती है यार, चलो जी दिस टाइम सीम है, ये समझेगा शायद स्विंग है लेकिन सीम है ये। ओए ठीक है अच्छा खेला है, उसको पता है भाई वो भी सो कर चुका है, 126 पे खेल रहा, चल जानी प्लीज ले ले विकेट लेस ना दी वापस, नो बॉल कर दी यार, हद है वैसे ना, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। बॉल ओए कीपर को देखो भागता हुआ गया है पकड़ने के लिए, मुझे लग रहा है ऑल आउट हो जाएंगे, नो ऑल आउट हो गए ना, कुछ भी नहीं मिला इस इनिंग्स में मुझे, क्या करूं यार, वो देखो क्रैक पिच पे देखो कितना पड़ गया, हमारी बारी कुछ ना, जैसे ही हमारी बैटिंग आई है ना साथ ही क्रैक आ गया यार, उनकी बारी में कुछ ना, वो देखो सामने कवर ड्राइव शॉट का भाई मारता है वहां पे क्रैक है, अच्छा पहले स्कोर कार्ड देखें जल्दी से क्या किया, 335 फिर भी कर ही गए हैं, काफी स्कोर लगा दिया भाई, 172 फिन एलन तेरी ऐसी की तैसी, आपको भाई विकेट लेस रहा यार, यार 16 ओवर्स किए थे, 40 रन विकेट नहीं मिली, 2.5 का रन इकोनॉमी था अपना, और बैम्बर और सॉटर पता नहीं कौन है यार ये, और कलन भाई विकेट ले गए 4-3-3, गुड यार लड़का बहुत आला यार भाई, अभी 103 की लीड है हमारी ठीक है, और दिन एक मिनट दिन भी देख लें कौन सा, डे 3 का स्टार्ट हो चुका है, चलो भी आ जाओ, तुम्हारा गुस्सा ना सारा मैं बैटिंग में निकालूंगा ऐसी की तैसी, मेरा दिल चाह रहा है शॉटे मारे इन लोगों को, एक विकेट नहीं दी इन लोगों ने यार, अप्पाई को हद होगी वैसे, चल मेरी जान के टोटे ऐसा मार रहे इनको कि इनको लक समझ आए, पेलार्ड तू नहीं पास आएगा ना, छक्का ये, कैसा शॉट है, छक्का, वाओ ये चेक करो भाई, क्रैक बिल्कुल मुंह पे क्रैक पड़ा हुआ है, और ये देखो ये नीचे भी नजर आ रहा होगा, बस ऐसी बैटिंग होगी यहाँ पे, बच गए, अच्छा बाउंस भी लो है, बाउंस वैसे इस पिच पे काफी कम है, इनकी तो ऊपर से पेस भी नहीं है, हमारी तो फिर भी पेस थी यार, पूरी क्रैक पे मारी, ओए यार, अच्छा सेकंड इनिंग्स में ना बॉलिंग करने का मुझे लग रहा है मजा आएगा, फुल टाइम क्रैक पड़ा हुआ है, वही देखो वो भी फुल टाइम क्रैक में मार रहा है बार बार, लेकिन उसको नहीं पता कि हम आपके भाई की ड्राइव अच्छी है, बाकी एज लगना हुआ तो लग गया तो कोई मस्ता नहीं है यार, लग ही जाते हैं, इसमें क्या हो गया, चलो जी भाई चिप शॉट है ये, ओए नहीं
एट द एंड आ गया मुझसे लेफ्ट स्टिक जो थी ना भाई, वो मेरे हाथ से छूट गई, ऐसे कर गई, ये हो गया था मुझसे। ओए बच गए, इनसाइड एज, बच गए इनसाइड एज, जो भी कैरी नहीं हुई। ये तो लो बाउंस है इस पिच पे यार, इतना लो बाउंस हो गया, इतनी गंदी पिच बनाई इंग्लैंड में। मैं फिर चिप शॉट खेलने गया था, मैं फिर खेलूंगा चिप शॉट, ऐसी की तैसी नहीं लगेगी ना तो ज्यादातर आउट ही होगा ना, लेकिन मैं खेलूंगा भाई। नहीं ये तो काफी वाइड थी, दो दो ठप्पे लग के कैरी हो रही है, 127 किलोमीटर पे बॉलिंग करें, क्या कैरी होनी है इनकी, उसने वाइड दे दिया। टेस्ट मैच है भाई ये, वनडे नहीं लगाओ। आपके भाई कैरी नहीं थी 150 किलोमीटर, तो इनको क्या कैरी होनी है यार बॉल। तुम लोग चेक करो, ओए वापस आना यार, अजीब, मैंने कब से वापस बुलाया, मैं इसको वापस नहीं आ रही, रन आउट करवा लिए। और इस गेम में ये सीन है कि असल में होता है कि आपको विकेट पूरी बाहर निकालनी पड़ती है, अपरूट करनी पड़ती है, यहाँ पे है कि दोबारा बस उठा के मार दो। अजीब ही तमाशा यार ये तो, ये चक्कर, मैंने कब से वापस किया हुआ था भाईजान, वापस नहीं आ रहे थे, पूरा ऐसे घूम के वापस आया, तो इस तरह तो नहीं होता यार भाई। केयर्स आ गया इस वक्त, एक बार रिप्ले में देख लो हुआ क्या, इसने किया क्या भाई शहजादा ने। अच्छा ये देखो, इसको बस नोट करो, ये मैंने यहाँ से कॉल की है, अब मोड़ देखो कहाँ से रहा है, वो देखो, ओ भाई घंटा लगा दिया यहाँ पे मुड़ने में, और इतनी देर में उसने बॉल पकड़ी है, और भाईजान ने बल्ला भी ग्राउंड किया, हालांकि मैंने ऐसे ग्राउंड का बटन भी दबा दिया था, वो देखो शॉट है यार, आउट हो गए। 113 हुआ है, अच्छा मैं इजी हो रहा हूँ, ये नो टेस्ट अपना फर्स्ट क्लास मैच हार रही हूँ यार, 200 पे ऑल आउट हो गए ना अगर। शॉट, आज का दिन तो ना अजीब ही रहा है बिल्कुल भी, ना हमें विकेट मिली है, ना हमें स्कोर हमसे हुआ, इतनी स्लो मरियल बॉल और क्रैक में मारी थी, और क्रैक से पड़ के बॉल इतना बाहर निकला, और इसने आराम से कैच पकड़ लिया। आई थिंक एलन ने कैच पकड़ा है, ये एलन मुझसे ऊपर ही जा रहा है यार, 1-0 अप था ये मुझसे बैट जब मैं बॉलिंग कर रहा था, और कैच पकड़ के यार ये 2-0 अप हो गया। नहीं लेस्ली है, शुक्र है वो नहीं था, वरना ज्यादा ही लागत बस योजना थी यार, 7 रन पे आउट हो गए सैडली यार, इस इनिंग्स में तो कुछ भी नहीं हुआ ना मुझसे। मैक्स होल्डन आ गया यार, स्कोर कर जाना प्लीज, ले गए लड़के, खुद ही ले गए यार, कप्तान के बगैर ही ले गए लड़के मैच। चलो शाबा शाबा, 200 हो गया है, 250 करो, चाहे 350 का टारगेट हो, लेकिन ये मैं तुम बताऊँ ये मैच टफ हो सकता है। उन्होंने बैटिंग पहले मैच में पहली इनिंग्स में बहुत अच्छी किया, फिर एलन आ गया, ही इज अ सुपर बैट्समैन यार, अच्छा प्लेयर है, 46 की एवरेज भी है इसकी। क्या टारगेट मिला है भाई, समरी में जाके देखें कि दिखा दोगे बार में, समरी में देखें, लेकिन टारगेट जो होगा ना वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। और 359 का टारगेट है, मजा आने वाला है यहाँ पे, बहुत ज्यादा मैच समरी, ये मैच फुल टाइट होने वाला है। समरी में देखो ना, उन्होंने 335 पहले इनिंग्स में भी कर दिया था, तो देख केपेबल है वो लोग। और अभी डे 3 एंड हो रहा है बिल्कुल, 2 दिन पूरे पड़े हुए हैं यार, पता नहीं क्या होगा। मैट पार्किंसन भाई स्पिनर, देखो 4 विकेट से गया था, क्योंकि विकेट फुल टूट रहा था यहाँ पे, और हमारी तरफ से बैटिंग इसने अच्छी की थी, शहजादे ने ओ फर्स्ट इनिंग्स का देखी जा रहा हूँ, अभी 7 पे गया यार, सिर्फ 62 किया था होल्डन ने, बाकी सब ने यार, एक और 65 हुआ है रॉबी व्हाइट ने किया यार, चलो कुछ तो किया अच्छा, ठीक है भाई कोई मसला नहीं है, कंपटीशन है, हम खेलने आएंगे, हम करेंगे बॉलिंग यहाँ पे। स्टे ट्यून्ड यार, अगली वीडियो देखने वाली होगी, ठीक है, उसमें चेज होने वाला है बहुत जबरदस्त किस्म का लंकाशायर का, वीडियो मिस नहीं करनी प्लीज, ठीक है। और अगर अच्छी लगी हो, वैसे इसमें कुछ खासी परफॉर्मेंस नहीं हुई लेकिन वीडियो तो अच्छी थी ना यार, तो लाइक करो सबसे पहले, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में प्लीज अपना वैल्यूएबल फीडबैक क्लास में शेयर करो। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट विद द चेज अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।